अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटे से ही ब्लस्ट होते हैं, छोटे से ही उनके जीवन में कोई ना कोई दैवीय शक्ति जो है मदद करती रहती है, उसका आभास भी होता रहता है। ऐसा नहीं है कि दैवीय शक्ति मदद करेगी और आपको आभास ना हो, आपको आभास अवश्य होगा। देखिए जीवन में सब कुछ आपको मिल जाए, जैसा आप चाहें वैसा सब कुछ होने लगे, ए से लेकर जेड तक जो भी आप चाहते हैं सारा कुछ हो जाए, वो संभव नहीं होता है। सब कुछ संभव नहीं होता है। आप ये सोच लो कि सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी जीवन में, वो संभव नहीं होता। चाहे आप कितना भी तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, कोई विशेष चीज़ आप पाना चाहते हो, कोई विशेष लक्ष्य आपका है और उसके लिए आप तपस्या करते हो, तो वो लक्ष्य मिल सकता है। लेकिन आप ये सोचो कि नहीं सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके कर्म पे भी निर्भर करती हैं और कर्मों के हिसाब से ही शक्तियाँ भी साथ देती हैं। जिस दिशा में आपका कर्म हो रहा होता है वैसी ही साथ देती हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप जब ड्राइविंग सीख रहे होंगे, गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे, तो ही गाड़ी चलाना आएगा आपको और आप उसमें बहुत परफेक्ट हो जाओगे, उन शक्तियों की मदद से बहुत परफेक्ट हो जाओगे। मतलब जिस हिसाब से आप चला लोगे गाड़ी, उस हिसाब से और कोई नहीं चला पाएगा। इसी तरह से स्विमिंग में, अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, तैरना सीख रहे हो, तो आप जितनी अच्छी स्विमिंग आप कर लोगे शायद उतना अच्छा कोई और नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप स्विमिंग सीख रहे हो तो गाड़ी चलाना अपने आप आ जाएगा, या गाड़ी चला रहे हो तो स्विमिंग करना आपको अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कर्मों पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप कर्म कर रहे हो। शक्तियाँ भी वैसे ही साथ देती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको छोटे से ही शक्तियाँ साथ देती रहती हैं। इसका कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं उनके पुराने जन्मों के पुण्य होते हैं, या उन्होंने पिछले जन्म में कोई तपस्या कर रखी होती है, या वो बहुत बड़े भक्त होते हैं, जिसकी वजह से वो शक्तियाँ उनके साथ जुड़ी रहती हैं इस जन्म में भी। देखिए घर में जो आपके कुल देवी देवता होते हैं, जो आपके घर के देवता होते हैं, पितृ होते हैं, पुत्र देवता होते हैं, वो भी आपकी मदद करते रहते हैं, वो भी आपसे जुड़े रहते हैं। तो पहला संकेत तो यही हो जाता है आपके लिए कि अगर आपके जीवन में आपके सोचे हुए कार्य होने लगे, जो भी आप सोचते हैं वैसे कार्य बनने लगे, तो निश्चित मान लीजिए कि दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही है। क्योंकि आप ये देख खुद ही इस बात को समझ जाएंगे कि आप कितने गहरे पानी में हैं। देखिए हर इंसान जानता है इस बात को कि वो कितने गहरे पानी में होता है, उसकी तथा कितनी है किसी भी कार्य को करने के लिए, उसकी क्षमता कितनी है किसी भी कार्य को करने के लिए, और उसकी थोड़ी सी ही क्षमता से जो परिणाम है उसका क्षमता से अधिक मिलता है। तो आप खुद सोचिए कि कोई ना कोई दैवी शक्ति कार्य कर रही होती है इस इनके पीछे, या आपके साथ में, या आपकी मदद कर रही होती है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो लोग नहीं मानते इन सब बातों को और दैवीय शक्तियाँ उनसे जुड़ी रहती हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि उनकी मदद हो, तो वो इसका क्रेडिट या तो अपनी मेहनत को दे लेते, सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कर्म किया, या उन्होंने बहुत मेहनत की थी, या उन्होंने बहुत ऐसा किया था वैसा किया था, वो क्रेडिट किसी भी चीज़ को दे सकते हैं। लेकिन इसका कहीं ना कहीं जुड़ाव आपकी दैवीय शक्तियों से होता ही होता है, खासकर तब जब आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से जुड़े हुए रहते हैं, खासकर तब जब आप मंत्रों से आपका लगाव होता है, मंत्र जप से आपका लगाव होता है, खासकर तब जब आप साधु संतों का सानिध्य पाने लगते हैं, या साधु संतों के जैसा आपका आचरण होने लगता है, तब ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपके जीवन में इफ़ेक्ट करती हैं और आप इसका प्रभाव देख भी सकते हैं। तो ये संकेत मिल जाता है। इसी तरह से एक संकेत रहता है कि आप किसी भी मुसीबत में फंसने से पहले ही बच जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी मुसीबत आएगी ही नहीं, परेशानी आएगी ही नहीं, आएगी, लेकिन जो परेशानी आने वाली होगी वो आपसे चार कदम दूर होकर निकल जाएगी।
आपको लगेगा कि हाँ शायद आप प्रॉब्लम में आने वाले हो, लेकिन क्या होगा कि वो प्रॉब्लम आपकी आपके पास में आने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, या आपके पास में आने से पहले ही वो प्रॉब्लम आपकी रहेगी ही नहीं। इसी प्रकार से एक संकेत रहता है कि आपके द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य बहुत अच्छा होगा, बहुत परफेक्ट होगा। आप थोड़ा सा ही प्रयास करेंगे और परफेक्टनेस आपके काम में बहुत दिखेगी। कोई भी कार्य, चाहे आप खाना बना रहे हो, या आप ड्राइविंग कर रहे हो, या आपका कोई बिजनेस हो वो कर रहे हो, या आप अपने ऑफिस का जॉब का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कैसा भी काम कर रहे हो, तो आपके हाथों में बरकत जैसी रहेगी कि थोड़ा सा ही इफ़ेक्ट डालते ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका जो परफेक्टनेस है, जो आपका एक संतुष्टि वाला कार्य रहेगा, उससे लोग संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे जो भी आप कार्य करेंगे अपने जीवन में। तो ये भी एक दैवीय शक्ति की ही कृपा होती है, जिसकी वजह से आपके कार्य अच्छे होने लगते हैं, अच्छे बनने लगते हैं। देखिए, कार्य तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छे होने वाली कार में अंतर होता है ना। जैसे मान लीजिए कि चाय तो सब बना लेते हैं, लेकिन किसी किसी की चाय में बहुत ज़्यादा स्वाद होता है, आपने भी इस बात को महसूस किया होगा। या खाना तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन किसी किसी के हाथ में खाने में बहुत स्वाद होता है। तो ये एक सिद्धि जैसा ही होता है, अच्छा खाना बना लेना भी एक सिद्धि जैसा ही होता है कि ये सिद्धि प्राप्त है कि वो लोग बिना नापे नमक डालते हैं बराबर बैठता है, कुछ भी कोई मसाला डाल देते हैं सब्जी में स्वाद अच्छा आ जाता है। तो ये सिद्धि जैसा ही है कि आपको सिद्धि मिल गई है खाना अच्छा बनाने की। तो आपके हाथों में परफेक्टनेस आ जाती है जब आपके ऊपर दैवी कृपा होती है। उसके बाद में क्या होता है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, जब भी आप मंत्र जप करने बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा मन लगने लगता है। मतलब आप ये सोचेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि पूजा पाठ ये सोचते हैं कब ख़त्म हो, कब जल्दी मंत्र जप पूरा हो, कब माला ख़त्म हो, अरे मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, इस तरह से मन में विचार आते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनके मन में इस तरह के विचार आते ही नहीं हैं। उनको पूजा में बैठने के बाद में, पूजा से कब उठते हैं, जो बीच का समय होता है, उसका आभास ही नहीं होता उनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो बैठे थे। मतलब इतना ज़्यादा पूजा पाठ या जप करने के बाद भी उन्हें ऐसे लगता है कि नहीं अभी उतना ज़्यादा नहीं कर पाए हैं जितना उन्हें पूजा पाठ करना चाहिए। तो ये भी एक संकेत होता है किसी भी दैवी शक्ति के जुड़ाव का, जो आपसे जुड़े रहते हैं। ऐसे ही अगर आप कहीं जाते हैं मंदिर वगैरह में, मंदिर में पूजा करने जाते हैं या मंदिर में दर्शन करने जाते हैं किसी भी देवी देवता के, या आप अपने इष्ट देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, किसी शक्तिपीठ में जाते हैं जो आपके घर के आसपास होती है, तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको एक अलग सी अनुभूति होगी। और उस अनुभूति में आपको रोएं भी आपके खड़े हो सकते हैं, आपका मन बहुत अच्छा हो सकता है, आपका मन प्रसन्नता से भर सकता है, आपके आँखों में भावुकता आ सकती है भगवान को देखने के लिए या भगवान के प्रति। तो अगर इस तरह से भी आपको कोई संकेत मिलता है, तो निश्चित मान लीजिए कि दैवी शक्ति सच में आपकी मदद कर रही है और हर मुसीबत से आपको बचाती है, हर परेशानी से आपको बचाती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम अपने कर्मों के द्वारा ही बच गए, हमने अपने आप को स्वयं ही बचा लिया। हम स्वयं ही बचाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है जो आपके साथ में रहती है, जो आपके कार्य बनाती है, जो आपकी हमेशा मदद करती रहती है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।